में 120 से भी ज्यादा भक्तों की मौत को 4 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल अब तक फरार है। वो कैमरे पर तो आया, घटना पर दुख भी जताया और इसके पीछे साजिश बता डाली, लेकिन भोले बाबा पुलिस की पहुंच से दूर है। इस बीच नारायण हरि को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, उसकी बेहिसाब दौलत को लेकर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई आश्रमों के मालिक इस बाबा की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि खाकी वर्दी के बाद सफेद लिबास में बाबा गिरी करने वाले सूरजपाल ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। बताया जा रहा है कि भोले बाबा के सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 25 आश्रम है, इसके साथ साथ 25 से 30 लग्जरी कारों का काफिला भी है। उसकी सेवा में सैकड़ों सेवादार तैनात रहते हैं, हजारों सेवादारों की निजी सेना की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि किसी भक्त से 1 रुपए का दान नहीं लेने का दावा करने वाला बाबा इतने पैसे लाता कहां से है? वो इतने आश्रमों की श्रृंखला का मालिक कैसे बन गया? मैनपुरी के बिछवा इलाके में मौजूद भोले बाबा के 21 बीघा जमीन में फैले इस आश्रम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा के पास कितनी अपूर्ण संपत्ति है। कई कमरों वाले इस आश्रम को व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। इसमें 6 विशेष कमरे बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व है। इस आश्रम में करीब 80 सेवादार हर वक्त बाबा की सेवा में तैनात रहते हैं। सत्संग के लिए कहीं भी जाना हो तो बाबा इसी आश्रम से जाता है। हाथरस में हुए हादसे के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल कहाँ है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने महज 15 सालों में अकूत संपत्ति कमाई। इस वक्त हम बाबा के एक आश्रम में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये आश्रम मैनपुरी का है। इस आश्रम की बात करें तो अंदर 6 कमरे महज बाबा के लिए हैं और ये 6 कमरे बेहद लग्जरी कमरे हैं। इन 6 कमरों में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, साथ ही साथ बाबा का जो काफिला होता था वो भी लग्जरी गाड़ियों का होता था। बाबा महंगे कपड़े पहनने का शौकीन है, महंगे चश्मे पहनने का शौकीन है और नारायण साकार हरि के बारे में ये बताया जाता है कि महज 15 सालों में ही उसने ये अकूत संपत्ति कमाई है। ये आश्रम 21 बीघा में मौजूद है और इसकी कीमत अगर आकी जाए तो करीब 4 करोड़ के आसपास बताई जाती है। वैसे तो बाबा किसी से भी दान नहीं लेने का दावा करता है, लेकिन इस आश्रम में 200 दानदाताओं की सूची है जिसमें 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक के दान का हिसाब दर्ज है। तमाम सुख सुविधाओं से लैस इस आश्रम में हेलीपैड तक है। हालांकि इस आश्रम के बाहर ये एक आप देख सकते हैं जिसमें तमाम उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने यहाँ पर चंदा दिया है। हालांकि इसमें एक खास बात यह है कि इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने 10,000 या 10,000 से ऊपर के अमाउंट दिए हैं। 10,000 से नीचे वालों का कोई नाम इसमें नहीं लिखा है। ऐसे ही बाबा के उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आश्रम है, करीब 24 के आसपास आश्रम बताए जाते हैं, जिसमें नोएडा की बात करें, कासगंज की बात करें या कानपुर की बात करें, इन तमाम जगहों पर बाबा ने लग्जरी आलीशान आश्रम जो है वो बना रखे हैं। अपने लिए बाबा 3 लेयर की सिक्योरिटी रखता है। बाबा तक पहुंचना आसान नहीं होता है। तमाम सेवादार जो हैं उनकी एक फौज बाबा ने बना रखी है और उन फौज से होते हुए आप बाबा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नामुमकिन की तरह होता है। बाबा ने इस तरीके से अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रखा है। लग्जरी गाड़ियों का शौकीन बाबा, महंगे कपड़े, महंगे चश्मे, महंगे जूते, साथ ही साथ काफिला जो होता है वो बाबा का बेहद लग्जरी गाड़ियों का होता है और बताया ये जा रहा है ये तमाम चीजें उसने महज 15 सालों में कमाई। अब सबकी नजर इस बात पर कि कैमरे पर आकर घटना पर दुख जता चुका और साजिश की बात कहने वाले बाबा तक
पुलिस कब पहुंचेगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।